भी रुके हम, मतलब अपना खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट बोल दो कुछ बोल दो, घर से पराठे पैक करा के लाए थे और रास्ते में ले ली दही। और भाई वैसे तो कटोरी कुछ थी नहीं, गिलास में ही पाली दही। और भाई अभी मैगी का ब्रेक चल रहा, पहले एक ही मंगाई थी टेस्ट करने के लिए, कैसी है भाई? तो भाई ये खड़े लड्डू और अभिनव भाई गाड़ी के इंतजार करते हुए कहीं यहीं पे खड़े हैं भाई, घर के बारी। अरे ऊपर से बारिश आ रही है यार, मतलब थोड़ा तो मजा बिगड़ने वाला है, इतना भी नहीं बिगड़ेगा भाई, मजा बिगड़ने की वजह और आगे ना। तो भाई फाइनली गाड़ी आ चुकी है, तरुण भाई आ गए गाड़ी लेके और अभी चल रहे हैं, लड्डू सामान वामान रखा जा रहा है और फिर चल रहे हैं हम सब। भाई अभी हम रुके हैं चाय पीने के लिए, एक टी ब्रेक लिया छोटा सा यही रास्ते में हाईवे के, मतलब जस्ट बराबर में था, लगा लिया, खा लिया, पड़ा हुआ था शांति में, बारिश का मौसम था इसलिए यहीं रुके भाई। और ये हम अभी यहाँ से सीधा, मतलब अभी देखते हैं, हरिद्वार तो जाएंगे नहीं, हरिद्वार कल वापसी में आएंगे, अभी पहले चलेंगे सीधा ऋषिकेश और लेट हो गए काफ़ी, जाम भी मिलेगा। अभी तो सीधा भाई ऋषिकेश ही चल रहे हैं, चाय ब्रेक ये सब तो चलते रहेगा। भाई अभी रुके हम, मतलब अपना खाना खाने के लिए, ब्रेकफास्ट बोल दो कुछ बोल दो, घर से पराठे पैक करा के लाए थे और रास्ते में ले ली दही। और भाई वैसे तो कटोरी कुछ थी नहीं, गिलास में ही पाली दही। और लड्डू भाई के यहाँ चीनी गोले चल रही है और अभिनव भाई ने भी चीनी डाल ली इसमें। तो ये रे भाई देखो तरुण भाई का क्या चल रहा है, भोजन केचप के साथ में आलू के पराठे और भाई दही, ये रहा ये हमारा खाने का बैग है। और ये खड़ी अपनी गाड़ी अभी खा रहे हैं रुके, और बारिश भी बहुत ज्यादा हो रही है भाई, मतलब ये ना हमारी मुझे लग रहा है पूरी ट्रिप ही जो है बारिश में ही जाएगी। तो भाई अभी खा लेते हैं और मिलते हैं फिर आगे आपसे। निकल के चलती है ऊपर शिवपुरी की तरफ, शिवपुरी जा रहे हैं घूमने, और अभी मतलब यहाँ पे बारिश पड़ रही है, वैसे भी कुछ प्रोग्राम फिक्स नहीं है करना क्या है, तो इसलिए हम सोच रहे हैं कि मतलब शिवपुरी चलते हैं घूमने के लिए। लड्डू भाई भी बोल रहे हैं शिवपुरी जाने का, लड्डू भाई कुछ कहना चाहोगे बारे में? शिवपुरी के बाद जाएंगे हम नीलकंठ। हाँ शिवपुरी के बाद जाना भाई नीलकंठ। लड्डू भाई कुछ कहना कुछ नहीं, लड्डू भाई बात करनी हमारे तप्पू भाई, मैं तो ड्राइवर ला रखा है ना। हाँ भाई ड्राइवर है बंदा, गाड़ी में ही सोऊं मैं। हाँ दिहाड़ी पे हूँ मैं, 500 रुपए दिन को। भाई आपने देखा होगा भाई रोटी रोटी खाने का तरीका भाई का सब ऐसे ही दिहाड़ी पा रहा। ये तो कपड़े आ ढंग के से पहले भी तैमन में रहूं मैं, पूरी दिल्ली का सब टाइम पे आएगा। नमकीन भाई नमकीन चल रही है अपना आनंद के घी के डिब्बे में, तो नीचे को जान लगा भाई अभी हम ऋषिकेश के शिवपुरी में, और भाई आप देख सकते हो मतलब क्या ही नजारा आ रहा है भाई, मतलब आप यकीन नहीं करोगे, बहुत से लोग ना अवॉइड करते हैं बारिश में आना, मतलब ऋषिकेश में कोई भी नहीं जाता, मतलब ऋषिकेश के पहाड़ों में कोई भी नहीं जाता जल्दी से, मगर आप अगर चेक करोगे ना भाई क्या नजारा है भाई साहब, मैं यूँ कह रहा हूँ मज़ा ही आ गया। और अभी हम रुक के खड़े हुए हैं शिवपुरी, जैसा आप देख सकते हो मेरे पीछे शिवपुरी है, और शिवपुरी से अभी हम पहले रुके हुए हैं भाई, अलग ही अल्टीमेट व्यू है भाई कसम से, एक बार आप चेक करो और देखो। अभी यहाँ पे हम रुके हुए हैं अभिनव भाई, ऐसे आँचल खड़े हुए बात कर रहे हैं, ये रही गाड़ी भाई अपनी ये लगा रखे, और यहाँ पे अभी चाय पियेंगे मैगी खाएंगे। भाई पीछे देखो आप क्या व्यू है, आप तो पूरे रास्ते ही मतलब ऐसी बारिश पड़ रही है ना भाई।
अभी रुके हुए हैं यहाँ पे मैगी खाने के लिए और चाय बन रही है। पहले मैगी का टेस्ट करने के लिए एक ही मैगी मंगाई है और ये हमारे तरुण भाई लड्डू। और भाई अभी मैगी का ब्रेक चल रहा, पहले एक ही मंगाई थी टेस्ट करने के लिए। कैसी है भाई? भाई बेकार, मतलब इतनी खास हमें लगी नहीं, इसलिए आगे देखेंगे कहीं शिवपुरी में ऐसी है झोड़ के पानी में बना मगर भाई आप व्यू देखो भाई, कसम से ना, मतलब जो लोग बोलते हैं ना बारिश में मत जाओ भाई, ये है वो है, भाई थोड़ा मान सकते हैं रिस्क है, मगर भाई अलग ही व्यू है, कसम से अलग ही व्यू है भाई। अभी यहाँ से मैगी वैगी खा के खाना पी के खा के चल दिए हैं और अभी चल रहे हैं उधर। और ये रे भाई हमारे, ये रे हमारे ड्राइवर साहब। अगर भाई साहब पलट दूं आज नहीं बस, अगर कोई दिक्कत ना हो मैं चला लूं थोड़ी देर। बाबा भैया यहीं जाना, मैं स्वर्ग आश्रम नहीं जाना। दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। थोड़ी देर ड्राइव कर लेने देते, मगा भाई साहब भीतर को आ जाओ। हाँ भीतर को जाओ। भी ऋषिकेश में वहाँ से घूम फिर के आगे, और नीलकंठ हम गए नहीं है क्योंकि यार बहुत ही ज़्यादा बारिश पड़ रही थी ना, और रास्ता भी वहाँ का कुछ ऐसा ही है। अभी रुके हैं बर्गर कुकिंग, यहाँ पे खाएंगे बर्गर। अभिनव और तरुण गए हैं कार को आगे पार्क करने और लड्डू और अचल दे रहे हैं ऑर्डर। अभी पता नहीं कहाँ निकल गए हैं दोनों, और ये काफ़ी अच्छा बना हुआ है यहाँ पे, जो भी है मतलब एक मॉल टाइप बना रखा है। बर्गर किंग भी है, डोमिनोज भी है, बट हम बर्गर किंग में जाएंगे, बर्गर किंग का बर्गर खाना है। अभी ये कुछ ज़्यादा ही आगे निकलेंगे मुझे लग रहा है भाई। अभी चल रहे हैं बर्गर किंग के अंदर, बर्गर खाना है यार, बहुत ज़्यादा भूख लग रही है। मैगी खाई थी वहाँ पे, मैगी इतनी अच्छी थी नहीं, बाकी फिर कुछ मिला भी नहीं है खाने को इतना खास। क्या खाना तब? बर्गर है, बर्गर क्या बर्गर खाएंगे हम, क्या खाएंगे बर्गर। तो भाई अभी बर्गर करा लिए पैक, लड्डू भाई हाथ ले रहे हैं यार बर्गर, क्योंकि अभी बारिश भी पड़ रही है और हम ना त्रिवेणी घाट के लिए आरती के लिए हो रहे हैं, मतलब लेट। अभी चलते चलते गाड़ी में खा लेंगे बर्गर, और गाड़ी में बैठ के खाएंगे। हाँ यार फिर नहाना भी था ना, अभी हम सुबह से नहाए भी नहीं है, बारिश की वजह से हम नहाए भी नहीं है। देख सकते हो भाई ये लेमन ट्री के जस्ट सामने की तरफ कोई एक प्रॉपर्टी बनाई हुई है, इसमें ना मतलब मुझे लग रहा है कुछ कैंपिंग टाइप से तो नहीं है, मतलब एक पूरा घर ही दे रहे हैं शायद रेंट पे, मतलब काफी अच्छा लग रहा है देखने में। करम जिसे पुकारे वो पहुंचे गंगा किनारे, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा, पलट के फिर नानी, बोली बात और बहता पानी, न कर मैली तो गंगा, तन धोए मन तो गंदा। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, जो चला गया वो लौट के फिर ना आए, तेरा कर्म ही है जो संग तेरे ही जाए। मन पावन हो गंगा में डूबे नहाए, मन रावण जो लहरों में तूने बहाए, हर हर गंगे हर हर गंगे हर हर गंगे
तो भाई अभी त्रिवेणी घाट से हम आरती कर मतलब आरती के बाद आगे थे और वहीं पे नहाए थे हम। उसके बाद आए हम रूम में, मतलब हमने होटल में रूम लिया और अभी गुरुद्वारे में दर्शन करके अब जा रहे हैं हम जानकी सेतु की तरफ। मतलब रात को निकले हैं घूमने और हल्की हल्की बारिश पड़ रही है भाई, देख सकते हो आप। ये पहुंच गए भाई अभी हम जानकी सेतु और अभी पड़ रही है यहाँ पे बहुत भारी बारिश है, हम गल गए। तो भाई अभी हम जानकी सेतु पे और क्या लाइट वाइट लग के भाई, क्या मतलब अच्छा व्यू आ रहा है यहाँ पे, ये देख सकते हो आप। और वो उधर आपको दिख रहा होगा ना वहाँ पे, वो शायद लक्ष्मण झूला है, लक्ष्मण या राम झूला में से कोई सा है, वो मुझे कंफर्म पता नहीं है। और भाई अभी आपको एक मंदिर दिखाऊंगा मैं, मुझे ये नहीं पता है ये कौन सा मंदिर है, अभी दिखाऊंगा भाई। हाँ भैया वीडियो, हेलो गाइस, वो देखो भाई ऊपर आपको दिख रहा होगा ना वहाँ पे, वहाँ ये पता नहीं कौन सा मंदिर है भाई, लाइटिंग में काफी अच्छा लग रहा है। अभी चल रहे हैं उस तरफ और चलते चलते पैदल उधर ही जाएंगे मार्केट से। भाई अभी सुबह के बज रहे हैं 11 और अभी हम यहाँ से रेडियो के चल रहे हैं। रात भाई वीडियो को पूरा कंटिन्यू करने पाए थे, आके सो गए थे, बहुत ज्यादा थक गए थे। और भाई ये कुछ हमारा रूम था, रूम टूर आपको कर देते हैं। अभी चल रहे हैं भाई, भाइयों ये रहा सामने जानकी सेतु और पीछे आप पहाड़ देख सकते हो। मतलब ऐसा हो रहा है धुंध सी में आया पड़ा ना, बारिश हो रही है अभी रात से बराबर बारिश हो रही है। और भाई गाड़ी अंदर आनी पाई है ना, पार्किंग में लगानी थी, हमें ज़्यादा देर रुकना नहीं, सिर्फ एक दो शॉट रहने थे, तो इसलिए वहीं पर रुके हैं। मैं और लड्डू आए हैं इधर की तरफ, अभी चल रहे हैं।